वर्णन करता है। हमारे यहाँ पर सप्त तिथियां पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। महाराज बहुत ध्यान देना, महाराज सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें सात जगह अर्थात सात तिथियां ऐसी हैं जिस दिन पांच दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सात तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये सात तिथियां, ये वो तिथियां हैं सात जिन तिथियों में अगर हम पांच दीप, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर पांच दिए इन तिथियों में, उसमें ये सात तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संयोग पर ही होता है।